बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे एंड अदर व्लॉग। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। मैं अपने आज के व्लॉग का जो स्टार्ट है वो कर रही हूँ ग्रोसरी से, और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वो है सर्कस की, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहां पर जी ये कुछ सरफ आई है, ये सरफ हम बड़े वाला पैकेट लाते हैं वही एक साथ। यहां पर अबीहा के लिए चॉकलेट्स हैं, क्योंकि आजकल जो बाज का दिन को अबीहा ज़िद करती है किसी चीज़ के लिए, तो फिर कभी चॉकलेट वगैरह दे देती हूँ, कभी बिस्किट, तो इसी तरह से। और ये वीकली ग्रोसरी की थी। और ये जी है सब्ज़ मिर्ची, ये बड़ी अच्छी थी, ना इतनी ज़्यादा कड़वी थी और ना ही नॉर्मल सी थी। और ये यहाँ पर कीमा और मटन आया है, और धनिया और पुदीना, ये एक अरबिश दुकान है उधर से लेके आए हैं। तो अब ये सब कुछ जो है, पुदीना जो है उसको भी मैं धो के हुश कर लिया था, और धनिया को भी, और पुदीना की अब चटनी बना के रख लूँगी। और यहाँ पर जी जो धनिया है उसको मैं कट कर रही हूँ, तो अब इसको कट करके तो मैं रख लूँगी, और फिर जब भी हंडिया बनाई, खाना बनाया तो उसमें डाल देंगे, क्योंकि एंड पे जो ये धनिया है इसकी स्मेल तो बहुत ही खुशबू बहुत प्यारी होती है, और खाने को और ज़्यादा मज़े का कर देती है। तो मैं इसी तरह से इसको काट के रख लेती हूँ, और फिर इजी होता है काफ़ी दिन के लिए, तकरीबन 10 दिन 12 दिन इस तरह से पड़ा इजी सा ये निकल जाता है। और अब इसको मैं काट के एक डिब्बे में डाल के तो रख लेने लगी हूँ। यहाँ पर सारा जब रेडी हो गया तो मैंने एक डिब्बा लिया है, उसको धो के खुश कर लिया, तो अब इसमें डाल के रख लूँगी, जो इजी हर टाइम यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर जी आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो का क्लिप बनाया हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वो है एक जो सर्कस होती है इसका, तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि इनकी कैसे प्रैक्टिस हुई है, ये किस तरह से सब कुछ कर रहे हैं। हमें तो मुश्किल लगता है देख के ये कैसे हो रहा है, लेकिन उन लोगों की इतनी प्रैक्टिस होती है, और बहुत ही डेंजरस काम है एक छोटी सी वायर के ऊपर इस तरह से चलना, साइकिल चलाना। और आप लोग ज़रूर देखें, इंटरेस्टिंग सा।